भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कोरोना प्रेस सूचना ब्यूरो PBI द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए राजस्थान में पंचायतों द्वारा अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम गतिविधियों में राजस्थान की टोप ग्राम पंचायत में सिरमौर, नागौर जिले की ग्राम पंचायत जायल को राज्य की सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में शामिल किया गया है। ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत को इस श्रेणी में लाने का श्रेय सरपंच जगदीश कड़वासरा और उसकी पत्नी संतोष को दिया गया। लॉकडाउन के चलते सरपंच कड़वासरा द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रतिदिन कस्बे में 1000 परिवारों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना, सैनिटाइजर छिड़काव, हर जरूरतमंद बीमार व्यक्ति को निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा, मास्क वितरण, अमृत जल योजना में निःशुल्क पानी टैंकर, बीमार व्यक्ति के लिए अन्य शहरों से दवाई मंगवाकर घर बैठे उपलब्ध करवाना, हर जरूरतमंद को ग्राम पंचायत द्वारा रक्त उपलब्ध करवाने से लेकर लॉकडाउन में हर जरूरतमंद परिवार के साथ डटकर खड़े हैं। इसी के फलस्वरूप ग्राम पंचायत को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए राजस्थान में सर्वोत्तम गतिविधियों में शामिल होने से राजस्थान की टॉप ग्राम पंचायत की सूची में शामिल किया गया। इन सभी कार्यों की मॉनिटरिंग सरपंच खुद रात दिन लगे हुए हैं। सरपंच जगदीश कड़वासरा ने बताया कि आपदा के संकट में किसी भी परिवार को किसी भी तरह की आंच नहीं आने देंगे। सरपंच की इस मुहिम को आगे बढ़ाने में कार्यकर्ताओं और भामाशाहों भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। सरपंच पत्नी संतोष भी इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है और देश में कोरोना जैसी महामारी में महिलाओं भी अपनी भागीदारी निभाने में जुटी है। वहीं ग्राम पंचायत के सरपंच की पत्नी संतोष भी इस मुहिम में मुस्तैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रमेश जाजड़ा, जायल। उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सरपंच ग्राम पंचायत जायल जगदीश करवासा, सबसे पहले तो मेरे जायल की जो प्रवासी भामाशाह है और पूरे गांव पंचायत के तमाम जो मेरे मौजूद आदमी है और मेरी जो कार्यकर्ता की टीम, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस कोरोना के दौरान, इस महामारी के संकट में हमारी पंचायत को पूरे राजस्थान में, प्रदेश में जो दर्जा मिला है प्रथम का, मैं सबसे पहले तो उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, भामाशाहों का और कार्यकर्ताओं का जिन्होंने मेहनत की उसी का ये फायदा। साथ ही हमने ग्राम पंचायत के द्वारा पूरे पंचायत में गरीब लोगों के लिए राशन सामग्री की व्यवस्था कर दी है। प्रति साधनों से हम राशन की व्यवस्था कर रहे हैं। पूरी पंचायत में निःशुल्क पानी की व्यवस्था हम टैंकरों से करवा रहे हैं। किसी भी भाई को अगर जो बीमार है उसको चिकित्सा की आवश्यकता हो दवा की, तो दवा के लिए हम पूरे प्रदेश से, चाहे जोधपुर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे सीकर हो, नागौर, रीवा, जहाँ से भी उनको चिकित्सा दवाई मंगानी हो वो हम निःशुल्क उनको उपलब्ध करा रहे हैं। उसके साथ ही हमने कोरोना के दौरान ग्राम पंचायत जायल के द्वारा, एक के पंचायत के द्वारा, भामाशाह के सेवक के द्वारा एम्बुलेंस गाड़ी की मंजू देवी जी मेघवाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हमने यहाँ से शुरुआत की है, ताकि कोई भी उपचार के लिए या कोई महिला को डिलीवरी के लिए कहीं भी ले जाना पड़े तो उनकी सेवा में हमने एम्बुलेंस भी यहाँ लगा दी। भामाशाह का कितने रुपए का सहयोग मिल गया आज तक? अभी तक हमारे पास भामाशाहों के 20 लाख रुपए आ गए हैं और भामाशाह हमारे लगातार संपर्क में, उनका और भी सहयोग हमें मिलता है। पानी के टैंकर कितने रोजाना के सप्लाई करवा रहे हैं? पानी के टैंकर 3 टैंकर हमारे प्रतिदिन अलग अलग मॉलों में लगे हुए हैं। करीब 60-70 रोज प्रतिदिन टैंकर हम सप्लाई करते हैं, जिसका भी कॉल आता है वो उसी दिन पानी पहुँचा देते हैं। भामाशाह सहयोग के अलावा कोई विधायकों को सहायता राशि पंचायत ने मिली है? राज्य सरकार से जो MLA मैडम के द्वारा जो घोषणा की गई है वो भी राशि हमारे तक पहुंच जाएगी, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वर्तमान में कुछ भी सहायता वो प्रोसेस के तहत सारी व्यवस्था हो जाएगी इसमें। आज जाँच करवाई, सब करवा दिया, कोई की चीज जरूरत पड़ी जल्दी बुलाई तो देगी वहाँ, और रोज का मास्क बनवाओ 50 कांड और सप्लाई करा, और ग्राम पंचायत में चाय बनानी है और पकड़ानी है, सब का सप्लाई। फ्री सेवा दे रहे हो ना? हाँ, फ्री सेवा सब।